वैल्यू फॉर मनी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एज ए लीडर और मैनेजर आपके जहन में होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और पर्टिकुलरली इसकी अफादियत, इसकी इम्पॉर्टेंस रिसोर्स मैनेजमेंट के पस मंज़र में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जितने भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें, एक जो एक बज़ वर्ड नज़र आता है वो डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज एक कॉमन फ्रेज़ है, जो कि आप अक्सर टीम से भी बात करें, ग्रुप से बात करें, लीडर से बात करें, एवरीबडी इज़ सॉर्ट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट हैविंग लेस रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन द अदर हैंड साइड। नाउ कैन वी रियली रीच टू अ पॉइंट जिसमें या टू अ स्टेज जहाँ पर कि हमारे पास इतने बेपनाह वसाइल मौजूद हों कि आपके एक्सपेक्टेशंस कम हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम हैं और आपके पास उसको हासिल करने के लिए रिसोर्सेज बेपनाह हैं। तो मौजूदा दुनिया के हालात को अगर आप देखें, अपने आप सिनेरियो पे, अपने पर्टिकुलरली कंट्री के सिनेरियो पर, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस पर देखें, सो इट सीम्स स्लाइटली अ क्वेश्चन जो कि हमारे लिए अचीवेबल फौरन नज़र नहीं आता। सो इसमें इस अफादियत को समझना कि किस तरह से हर एक पैसा जो आप एज एन एजुकेशनल लीडर या मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये समझना कि उसकी अफादियत, उसका आउटकम, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। इस कॉन्सेप्ट को हम वैल्यू फॉर मनी में जाते हैं कि जितनी यूटिलिटी और यूटिलाइजेशन ज़्यादा जस्टिफाइड होगी, जितनी उसका स्कोप ज़्यादा नज़र आएगा हमें और हासिल होगा, उतना ही हम समझेंगे कि हमें वैल्यू फॉर मनी एक हायर लेवल पर हासिल हुई है। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच फाइनेंशियल, एक डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं जो कि 2003 में हमें हासिल हुई है, और ये कहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर मैनेज विद ड्यू रिकार्ड टू इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब इसमें ये तीन उन्होंने हमें एस्पेक्ट फर्दर दे दिए जो कि वैल्यू फॉर मनी में आपको वो कह रहे हैं कि तीन चीज़ों पे आपने फोकस रखना है जब आप कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका के ताल्लुक ह्यूमन रिसोर्स से हो, चाहे को उसका ताल्लुक फिजिकल रिसोर्स से हो, या फिर आप उसका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है, मनी के साथ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ हैं, उनको जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आपने इस्तेमाल करते हुए आपका फोकस तीन पॉइंट्स पे होना चाहिए, इकोनॉमी पर, एफिशिएंसी पर, और फिर नंबर थ्री पर इफेक्टिवनेस पर। तो सो यू हैव टू कीप थ्री पॉइंट्स इन योर माइंड, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। व्हाट एग्जैक्टली वी मीन वी विल जस्ट डिस्कस इन अ वाइल। एक और डेफिनेशन में जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2003 ही में दी, सेम ईयर है, इसमें ये क्या कहते हैं, एन अप्रेजल ऑफ वैल्यू फॉर मनी का ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एन अप्रेजल ऑफ द एक्सटेंट टू विच रिसोर्सेज वर मैनेज्ड विद ड्यू रिकार्ड टू इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड इन कन्फॉर्मिटी विद एप्लीकेबल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। सो रूल्स एंड प्रोसीजर्स को जहन में रख के चलना है, और अगेन तीन फैक्टर्स की बात इन्होंने भी की है कि जिसमें कि वो तीन फैक्टर्स वो कहते हैं कि उसको मैक्सिमाइज करना इंतहाई ज़रूरी है, और वो तीन फैक्टर्स को हमें जहन में रख कर चलना पड़ेगा। इन दोनों डेफिनेशंस में जो तीन चीज़ें नुमायाँ हैं वो हैं इकॉनमी, एफिशेंसी और इफेक्टिवनेस की। सो गोया के वैल्यू फॉर मनी के थ्री एसेंशियल ईज, इनको हम कहते हैं रिसर्च में या आपको हर आर्टिकल में, वेन एवर यू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू फॉर मनी, तो आप उसको हमेशा आप में थ्री एसेंशियल ईज का जिक्र होगा जो कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए स्टैंड करते हैं। इनको इकट्ठा लेकर आप चलेंगे तो ही आपको वैल्यू फॉर मनी हासिल हो सकती है। अब इसमें क्या इन दोनों डेफिनेशंस में हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता जो कि आपको एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई और एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है। इन दोनों ही डेफिनेशंस में इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस का जिक्र है, और वैल्यू फॉर मनी को मैक्सिमाइज करने के लिए ये ज़रूरी नज़र आता है कि आपने इकॉनमी को भी, यानी कम से कम जितनी भी इनपुट आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में वो आपने करना है, एफिशिएंसी के जितना इनपुट किया उसके मुताबिक बेंचमार्क जो सेट थे उसको आपने अचीव किया या नहीं, और इफेक्टिव कम से ज्यादा आपने हासिल कर पाए या नहीं कर पाए। सो इनको आपने इकट्ठा लेकर चलना है तो ही आपका वैल्यू फॉर मनी हासिल होगा। अगर इनमें से किसी एक को भी आप ओमिट कर देंगे या ओवरलुक करेंगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी हासिल नहीं हो पाएगी।